हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 8S 5G के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड करनी है, ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme 8 5G के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड करनी है तो कैसे कर सकते हैं। गाइस इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बस सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे लिए वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी कॉल रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने डायलर को ओपन कर लेंगे, राइट साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में चले जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ से आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है सबसे नीचे आके कॉल रिकॉर्डिंग, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज रिकॉर्ड, हमेशा के लिए रिकॉर्ड, इसे आप इनेबल करेंगे। यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑलवेज रिकॉर्ड विद नंबर नॉट इज योर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में कोई भी नंबर सेलेक्ट नहीं है, ऑल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं यहाँ से आप। इसे कर देंगे ऑलवेज रिकॉर्ड पे लेक क्लिक कर देंगे, और आपसे आप देख सकते हैं हमारी कॉल रिकॉर्डिंग शो होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ से आप जो भी आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं वो आपकी सारी